पूर्व मंत्री और औरत बी के विधायक प्रभुवीर चौहान 9 अक्टूबर को अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ महाराष्ट्र राज्य के प्रसिद्ध मंदिर तुलजापुर गए और विशेष दर्शन किए। मंदिर में दर्शन के दौरान मंदिर प्रबंधन की ओर से उनका स्वागत किया गया। तुलजा भवानी मंदिर संस्थान की प्रबंधक एवं तहसीलदार श्रीमती माया अशोका माने ने विधायक को तुलजा भवानी देवी का चित्र देकर सम्मानित किया। तुलजा भवानी माता के भक्त विधायक हर साल आते हैं और विशेष पूजा करते हैं। इस वर्ष भी धर्मपत्नी दामाद परिवार के सदस्यों के साथ औरादे निर्वाचन क्षेत्रों के सैकड़ों प्रियजनों ने तुलजा भवानी मंदिर में विशेष पूजा की और देश की भलाई के लिए प्रार्थना की। उन्होंने औरादे विधानसभा क्षेत्र में अच्छी बारिश, किसानों के लिए अच्छी फसल और अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देवी तुलजा भवानी एक शक्तिशाली देवी है। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र, महाराष्ट्र सहित देश के कोने कोने से भक्त तुलजापुर आते हैं और कहा कि मैं हर वर्ष दशहरे के दौरान तुलजापुर भी जाता हूँ और लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूँ। उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्यों, क्षेत्र के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ देवी का दर्शन करने से काफी सुकून मिलता है। इस अवसर पर मारुति चौहान, राम शेट्टी पन्नाड़े, किरण पाटिल, प्रतीक चौहान, सचिन राठौड़, खंडोबा कांगते, शेषार कोड़ी, पापुरा ओरादे, अनिल बिरादर, राम पाटिल, बालाजी ठाकुर, मंजू स्वामी, अशोक अलमाजे, लोकेश बिरादर, बजरंग पांडे, संदीप तेड़ेकर जैसे वरिष्ठ, पंडारी राठौर, प्रकाश पवार, देवीदास पवार आदि उपस्थित थे। और राज्य की न्यूज के लिए संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट।